हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 17 लाइफ इन वाटर यानि पानी में जीवन का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन वाटर, पानी में पाए जाने वाले पौधे, एनिमल्स इन वाटर, पानी में पाए जाने वाले जानवर, एनिमल्स दैट लिव इन बोथ, एनिमल्स जो दोनों जगह पर पाए जाते हैं, पानी और ज़मीन पर। वाटर एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड, पानी एक जन्म देने का स्थान यानी जहाँ पर अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं। तो इस चैप्टर में इस तरह से हिंदी ट्रांसलेशन है, वाटर इज़ द होम ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। इनफैक्ट देर आर मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़ इन वाटर देन ऑन लैंड। ज़मीन की अपेक्षा बहुत सारी स्पीशीज़ पानी में पाई जाती हैं, यानी बहुत सारे जानवर और पौधे ज़मीन की अपेक्षा पानी में पाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर प्लांट्स, पानी में पाए जाने वाले पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफिटिक प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में जो पौधे पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफिटिक यानी एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक मीन्स होता है रिलेटेड टू वाटर, पानी से रिलेटेड। दे आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन तरह के होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरने वाले फिक्स प्लांट जो पानी में फिक्स होते हैं। अंडर वाटर, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं। दे हैव स्पंजी एयर फिल्ड पार्ट टू हेल्प दैम फ्लोट। उनमें स्पंजी, स्पंज बच्चों देखा होगा फॉर्म जैसा होता है जो बीच में से छेद होते हैं, स्पंजी एयर फिल्ड पार्ट होता है जो उनको तैरने में मदद करता है। देयर स्टेम्स आर शॉर्ट एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, उनके स्टेम छोटे होते हैं और जड़ें पूर्णतः विकसित नहीं होती। द लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग, उनकी पत्तियों पर वैक्सी कोटिंग यानी चिकनी सरफेस होती है जो पानी को ब्लॉक होने से रोकती है। और जब पानी ब्लॉक नहीं होता तो उनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं। बच्चों स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो लीव्स में पाई जाती हैं, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसियस एक्सचेंज होता है। और जब पानी जमा नहीं होता उन पर तो उनकी पत्तियाँ सड़ती भी नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं आगे, फ्लोटिंग प्लांट्स गेट ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर, जो तैरने वाले पौधे होते हैं पानी में वो सारा न्यूट्रिएंट्स पानी से लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम फ्रॉम सॉइल, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी तो होती नहीं उनमें, तो मिट्टी की बजाय वो सारा अपने न्यूट्रिएंट्स पोषण पानी से लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डकवीड, वाटर हेसिंथ, वॉल्फिया, ये फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये बच्चों डकवीड है, ये वाटर हेसिंथ है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट दैट गो डाउन टू द बॉटम और वाटर एंड फिक्स द प्लांट्स। जो फिक्स प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं जो कि नीचे तक बॉटम तक जाती हैं और बॉटम में जाकर यानी बॉटम मीन सतह पर जाकर फिक्स हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव लाइट हॉलो एंड लॉन्ग स्टेम दैट हेल्प द लीव्स एंड फ्लावर्स सो टू फ्लोट ऑन द वाटर। उनका जो तना होता है वो लाइट मीन्स हल्का, हॉलो मीन्स खोखला, लॉन्ग मीन्स लंबा। उनका तना हल्का, खोखला और लंबा होता है ताकि पत्तियों और फ्लावर्स को पानी के ऊपर तैरने में मदद मिल सके, क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो पानी के अंदर हो जाएगा। देयर लीव्स आर बिग एंड फ्लैट विद स्टोमेटा ऑन द अपर साइड, उनकी पत्तियाँ बड़ी और फ्लैट होती हैं और स्टोमेटा ऊपरी साइड होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स प्लांट, लोटस और लिली फिक्स प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। वी ईट द रूट ऑफ लोटस एज वेजिटेबल्स, लोटस की जड़ को हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं जिसको कमल ककड़ी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट
इन वाटर इज स्कैल्प, सबसे ज़्यादा तेज़ी से उगने वाला प्लांट पानी का कैल्प है। ये एक दिन में लगभग 1 मीटर तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स सो दैट दे मे नॉट ब्लॉक वाटर फ्लो। अंडर वाटर प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली होती हैं ताकि पानी के फ्लो को होने में मदद कर सके, पानी के फ्लो को ब्लॉक ना करें। दीज लीव्स हैव नो स्टोमेटा, उनकी पत्तियों में कोई भी स्टोमेटा नहीं होते। स्टोमेटा बच्चों स्मॉल ओपनिंग, मैंने बताया था छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू देयर सरफेस। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ऑक्सीजन लेना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन रिलीज करना, वो प्लांट की सरफेस के द्वारा होता है, सतह से होता है। दीज प्लांट्स मेक वाटर क्लीन, ये प्लांट्स पानी को साफ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हाइड्रला, मसग्रास, टेप ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर बॉडीज़, पौधे जो वाटर बॉडीज़ के किनारे पर नज़दीक में उगते हैं। प्लांट सच एज ग्रास एंड वाटर बनाना ग्रो अलोंग द साइड ऑफ ए पॉन्ड। पौधे जैसे घास है, वाटर बनाना है, ये पॉन्ड साइड में यानी तालाब के किनारों पर उगते हैं। दो दे आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल बच्चों कहते हैं ज़मीन पर पाए जाने वाले, यद्यपि ये पौधे कैसे हैं टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, फिर भी दे स्प्रेड ओवर द वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडीज़ के ऊपर फैलते हैं। मैनी पॉन्ड एनिमल्स हाइड अंडर द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड ले देयर एग्स ऑन देयर लीव्स। बहुत सारे जानवर जो पॉन्ड में पाए जाते हैं वो इन पत्तियों के नीचे छिप जाते हैं और इसके अलावा पत्तियों पर अपने अंडे भी देते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर एनिमल्स, पानी में पाए जाने वाले पौधे जानवर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्विम इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन होती है पानी में तैरने के लिए। फिश हैव फिन्स, टर्टल है पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। मछलियों में फिन्स होते हैं पानी में तैरने के लिए। और टर्टल, टर्टल बच्चों किसको कहते हैं, टर्टल मीन्स टॉर्टिस, टॉर्टिस भी मतलब दोनों चीज़ कहते हैं, कहानी पढ़ी होगी हेयर एंड टॉर्टिस, कछुआ। ठीक है, तो कछुए में पैडल लाइक लिम्स होते हैं पानी को पुश करने में, ये छोटे छोटे लिम्स दिख रहे हैं तो ये लिम्स होते हैं पानी को पुश करने में यानी तैरने में। फिश एंड क्रेब्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। मछलियों में और क्रेब्स में, क्रेब्स कहते हैं केकड़े को, इनमें गिल्स होते हैं पानी में सांस लेने के लिए। सम फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेस ऑन देयर बॉडीज। कुछ मछलियों में हवा भरी हुई होती है, हवा भरे हुए पाउचेस होते हैं बॉडीज़ में जिससे वो तैरने में मदद मिल सके। दीज पाउचेस आर कॉल्ड स्विम ब्लडर्स, इन पाउचेस को स्विम ब्लडर्स कहते हैं। तुमने देखा होगा बच्चों जब हम पानी में तैरते हैं, कुछ लोग जिनको नहीं आता तो एक लाइफ जैकेट पहनते हैं, लाइफ जैकेट में हवा भरी हुई होती है जो पानी में डूबने से बचाती है। दे हेल्प टू द फिश टू फ्लोट इजीली एट एनी डेप्थ इन वाटर, वो मछलियों को किसी भी, एनी डेप्थ मीन्स किसी भी गहराई में तैरने में आसानी पैदा उत्पन्न करती है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स, वेल्स और डॉल्फिन में हमारी तरह लंग्स होते हैं और वो लंग्स से सांस लेती हैं। द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ अडेप्टेशन अमंग एक्वेटिक एनिमल्स कैन बी सीन इन द फिश, बच्चों अडेप्टेशन होता है अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार खुद को चेंज कर लेना, खुद को ढाल लेना। तो मछलियों में बहुत सारे इस तरह के फीचर्स आते हैं जो उनको पानी में
स्विम करने में मदद करती हैं। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं हम अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फिश हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी, मछलियों में स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इट मीन्स इट इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट इन द मिडल एंड नैरो एट द एंड। इसका मतलब बीच में से ब्रॉड और चौड़ी और फ्लैट, और किनारों पर से पतली। ठीक है, जैसे बोट की होती है, बोट देखिए, बोट और शिप की जो होती है आगे पीछे से नुकीला होता है और बीच में से चौड़ा होता है। सच ए बॉडी शेप हेल्प्स द फिश टू स्विम इन वाटर। इस तरह की बॉडी शेप मछलियों को तैरने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, इससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया ऑफ सरफेस आगे से कट जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस होने से फ्रिक्शन कम होता है और वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। जब मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, पानी मुंह से होता हुआ और गिल्स से निकल जाता है। बच्चों गिल्स में ब्लड की सप्लाई होती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है। सेकेंड, द फिश हैज़ मैनी स्केल्स, दीज स्केल्स डोंट अलाउ वाटर टू स्टिक ऑन द स्किन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी। ये फिश में बहुत सारे स्केल्स होते हैं, ये स्केल पानी को बॉडी पर चिपकने नहीं देते और तैरने और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। द फिश हैज़ फिन्स, मछलियों में फिन्स होते हैं दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो तैरने में मदद करते हैं। इसके अलावा बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं एंड चेंजिंग देयर डायरेक्शन इन वाटर, पानी में डायरेक्शन को चेंज करने में भी मदद करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं, जैसे बोट में चप्पू होती है उसी तरह पतवार जिसको कहते हैं। द फिश हैज वेल डेवलप्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स, मछलियों में एक पूर्ण विकसित ऑर्गन होती है जिसको गिल्स कहते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और इनमें बहुत अधिक ब्लड की सप्लाई होती है जो पानी में से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है। सम अदर कॉमन एनिमल्स इन वाटर, कुछ दूसरे कॉमन एनिमल्स हैं पानी में पाए जाने वाले, ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्क्वेड, शार्क और वाटर स्नेक, एनिमल्स दैट लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, एनिमल्स जो दोनों जगह पाए जाते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। देर आर सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, कुछ स्पीशीज हैं जो जमीन और पानी दोनों में पाई जाती हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियन, इन एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, बियंस मीन्स रहने वाले, जो दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फीबियंस ब्रीद थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड, जब जमीन पर होते हैं तो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जब वो पानी में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट कहते हैं नमी, नमी वाली स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। कुछ कॉमन एम्फीबियंस हैं फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर्स, न्यूट्स। नेक्स्ट आते हैं वाटर बर्ड्स, वाटर बर्ड्स जो पानी में पक्षी पाए जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं जो पानी में पाई जाती हैं पक्षियों की। दीज बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर टाइम इन वाटर, ये पक्षी अपना अधिकतर समय पानी में व्यतीत करते हैं, क्या करने में, कैचिंग स्मॉल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, छोटी मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ने में अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। दीज बर्ड्स हैव वेव्ड फीट, इनके जो पंजे होते हैं बच्चों, उनके पंजे कैसे होते हैं, गद्दी नुमा होते हैं, गद्दी नुमा, जिससे इनको तैरने में, पानी में मूव करने में मदद मिलती है। सम बर्ड्स लिव नियर वाटर बॉडीज बट फीड ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ पक्षी पानी वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स पर फीड करते हैं। सम वाटर बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू पैडल अंडर वाटर,
और कुछ कुछ वाटर बर्ड्स अपने पंखों को फ्लैप करने में यूज़ करती हैं, स्विम करने में मदद कर लेती हैं उनकी। नेक्स्ट आते हैं वाटर अ ब्रीडिंग ग्राउंड। पानी एक उनका जन्म देने का यानी उनका रिप्रोडक्शन के लिए एक ग्राउंड, यानी जहाँ पर वो अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं, जहाँ पर अंडे देते हैं या जो भी बच्चे उत्पन्न करते हैं वो पानी में एक ब्रीडिंग ग्राउंड। नो डाउट वाटर इज़ वंडरफुल लिक्विड, कोई भी संदेह नहीं है कि पानी एक वंडरफुल लिक्विड है, बट इट समटाइम्स बिकम्स गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। तुम देखते हो मच्छर वगैरह जो होते हैं मॉस्किटोज पानी में अंडे देते हैं, तो ये कभी कभी इंसेक्ट्स को अंडे देने का भी एक अच्छा स्थान बन जाते हैं। स्टेगनेंट कहते हैं रुका हुआ पानी। स्टेगनेंट वाटर बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो रुका हुआ पानी है वो हार्मफुल इंसेक्ट्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है, अंडे देने का स्थान है। दीज इंसेक्ट्स आर, तुमने देखा होगा बच्चों कि हम कहते हैं पानी को रुकने मत दो, और पानी जैसे कूलर वगैरह है इसका पानी भी जल्दी जल्दी चेंज करते रहना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स वहाँ पर और मॉस्किटो वहाँ पर अंडे ना दें। मॉस्किटो दीज इंसेक्ट्स आर कैरियर ऑफ जर्म्स। ये इंसेक्ट्स जर्म्स के कैरियर होते हैं, यानी वाहक होते हैं, ले जाने वाले होते हैं। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर टू सच इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज़। मच्छर और मक्खी दोनों ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट मॉस्किटोज एंड हाउ दे स्प्रेड डिजीज़। मॉस्किटोज के बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो बीमारी फैलाते हैं। मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स एंड बाय सकिंग द ब्लड दे स्प्रेड डिजीज़। मॉस्किटो ब्लड सकिंग यानी खून चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं और खून चूस कर वो बीमारी फैलाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो आर मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। कुछ मच्छरों से फैलने वाली बीमारी हैं जिसमें मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर हैं। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ मॉस्किटो इज़ 2 to 3 weeks। एवरेज लाइफ जो जीवन काल है मच्छर का वो लगभग 2 to 3 सप्ताह तक का है। बट दे स्प्रेड सो रैपिडली एंड इन सच लार्ज नंबर दैट देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेज डे बाई डे इज़ नॉट कंट्रोल। लेकिन ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं, इतनी तेज़ी से ब्रीड करते हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो होती है वो डे बाई डे कंट्रोल नहीं हो पाती। अ मॉस्किटो बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 parts। मॉस्किटो की बॉडी 3 parts से बनी होती है, हेड, थॉरेक्स बीच वाला हिस्सा एंड एब्डोमन। जैसे हमारा होता है बच्चों हेड और जो चेस्ट वाला हिस्सा है, एब्डोमन पेट वाला, तो 3 हिस्से से बनी होती है। इट हैज़ 6 legs एंड 2 pairs ऑफ विंग्स ऑन इट्स थॉरेक्स। और इनके 6 पैर होते हैं और 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं इनके थोरेक्स पर, 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं। 4 पंख होते हैं, देखा है बटरफ्लाई वगैरह में, तो सेम इसी तरह से। इट हैज़ निडल लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड। इनका एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है हेड पर जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, जिससे ये खून चूसते हैं, ठीक है, इसको प्रोबोसिस कहते हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ आइज ऑन ईदर साइड ऑफ हेड। इनके एक पेयर ऑफ आई यानी 2 eyes होती हैं हेड की दोनों साइड में, राइट। ये एब्डोमन हो गया, ये थोरेक्स हो गया और ये क्या हो गया, हेड हो गया। और ये 2 pairs ऑफ विंग्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 legs हो गए, ओके। मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। मॉस्किटो रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं। देयरफॉर देयर ब्रीडिंग इंक्रीजिंग रैपिडली इन द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में बच्चों जगह जगह पानी भर जाता है, पानी रुक जाता है, तो बरसात के दिनों में यानी मानसून के दिनों में, बारिश के टाइम में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल डिचेस, एबंडोन टायर्स, टिन्स, बॉटल्स एटसेट्रा।
जो खाली पड़े टायर होते हैं उनमें पानी भर जाता है, गड्ढे होते हैं उनमें हो जाता है, टिन बॉटल वगैरह जो पड़ी रहती हैं उनमें पानी भर जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो, मॉस्किटो का जीवन चक्र। अ फीमेल मॉस्किटो लेज अबाउट 300 to 400 टाइनी वाइट एग्स एट ए टाइम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक समय में 300 से 400 छोटे छोटे सफ़ेद अंडे देती हैं पानी की सरफेस पर। दीज एग्स हैच आउट इंटू लार्वा विच डेवलप इंटू प्यूपा इन अबाउट ए वीक। और ये अंडे हैच होकर सेने के बाद लार्वा में बदलते हैं, इनसे लार्वा निकलता है और लार्वा डेवलप होकर प्यूपा बनता है। इसमें एक सप्ताह का समय लगता है। आफ्टर ए फ्यू डेज द स्किन ऑफ द प्यूपा स्प्लिट्स एंड एडल्ट मॉस्किटो इमर्ज। कुछ दिनों में जो प्यूपा की स्किन है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद उसमें से एक युवा यानी एक परिपक्व मॉस्किटो निकलता है, इमर्ज कहते हैं निकलता है। एन एडल्ट मॉस्किटो लिव्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज, और एडल्ट मॉस्किटो कुछ ही दिनों के लिए ज़िंदा रहता है। ये एडल्ट मॉस्किटो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने अंडे दिए हैं, अंडे के बाद इसमें से लार्वा निकला है, लार्वा से प्यूपा निकला है, और प्यूपा जो कन्वर्ट हो गया एडल्ट मॉस्किटो में। ठीक है, द फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एनोफ्लीज। फीमेल मॉस्किटो जिसको एनोफ्लीज कहते हैं, ये मलेरिया स्प्रेड करती है। वैन मॉस्किटो बाइट समवन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद मलेरिया द जर्म्स ऑफ मलेरिया एंटर द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। जब ये मादा एनोफ्लीज, मादा फीमेल एनोफ्लीज होता है, फीमेल मच्छर होता है जिसको, जब ये मादा एनोफ्लीज मादा मच्छर किसी का ब्लड सक करती है, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हो रहा है बच्चों, मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स के द्वारा होता है। ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और जब ये मलेरिया वाला पैरासाइट, मलेरिया का जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है वो मॉस्किटो में ब्लड के साथ पहुंच जाता है, और जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को का ब्लड सक करती हैं तो ये वहाँ पर उस प्लाज्मोडियम को छोड़ देती हैं, उस जर्म्स को छोड़ देती हैं। दिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर फॉर द जर्म्स। ये फीमेल एनोफ्लीज जो है वो जर्म्स के लिए कैरियर का काम करती है। द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन एंड ही शी सफर्स फ्रॉम मलेरिया। ये जर्म्स हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाता है और वहाँ पर स्प्रेड होकर मलेरिया फैलाता है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के सिम्टम्स। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शोज फॉलोइंग सिम्टम्स। ये सिम्टम्स, ये लक्षण होते हैं कौन कौन से। फर्स्ट सडन फीवर दैट लास्ट फॉर फ्यू डेज, अचानक बुखार जो कुछ दिनों के लिए रहता है। सीवियर हेडेक, वोमिटिंग एंड नोशिया, बहुत अधिक सिर दर्द, सीवियर कहते हैं बहुत ज़्यादा सिर दर्द, और वोमिटिंग होती है और नोशिया जुकाम वगैरह कोल्ड वगैरह भी हो सकता है। शिवरिंग एंड फटीक, कपकपी और थकान। पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन, शरीर के जोड़ों में, घुटनों में, कोहनी में दर्द हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं। मलेरिया एंड डेंगू कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स। मलेरिया और डेंगू को हम इस तरह से रोक सकते हैं। सबसे पहले, डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम्स, गार्डन्स, स्कूल्स, ऑफिसेस एंड प्लेग्राउंड्स एज मॉस्किटो ले देयर एग्स इन वाटर। तो हम पानी को गार्डन, होम्स, स्कूल, ऑफिस, प्लेग्राउंड वगैरह में कलेक्ट ना होने दें, क्योंकि पानी में ही ये अपने अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस फिश इन पॉन्ड, दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड डू नॉट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई। जहाँ पर पानी भरा हुआ है पॉन्ड में, तालाब में, वहाँ पर हम मछलियों को
डाल सकते हैं। मछलियाँ मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएंगी और मॉस्किटो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इफ़ नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर मॉस्किटोज इन योर होम सराउंडिंग, यूज़ ए मॉस्किटो नेट टू स्लीप इन। अगर आपके घर के पास मच्छर हो रहे हैं तो आप मच्छरदानी का उपयोग करें सोते समय। इसके अलावा यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम टू कीप मॉस्किटोज़ अवे। रात को सोते समय मॉस्किटो रेपेलेंट, तुम देखते हो बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो ऑल आउट वगैरह, वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि मच्छर भागते रहें। स्प्रिंकल केरोसिन और डिसइंफेक्टेंट ऑन द पॉन्ड एंड अदर वाटर बॉडीज़ इन योर नेबरहुड। जहाँ पर पानी रुका हुआ है या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हम मिट्टी का तेल डाल सकते हैं। मिट्टी के तेल या कोई भी डिसइंफेक्टेंट, कोई भी केमिकल्स डाल सकते हैं जिससे मच्छर ख़त्म हो जाए। यूज़ वायर मैश ऑन डोर एंड विंडोज़। दरवाज़ों पर और विंडोज़ पर हम जाली के दरवाजे यूज़ कर सकते हैं ताकि मच्छर वहाँ पर एंट्री ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।